बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नापाकी की हालत में बाल या नाखून का काटना, साफ़ करना, जैसे ज़ेर नाफ के बाल हैं, बगल के बाल हैं, सर के बाल हों, मूंछ हों, इनको साफ़ करना, काटना, ये कैसा है? नाखून काट सकते हैं नहीं, क्या मसला है? बहुत कुछ इस वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। याद रखिएगा, ये बहुत तहकीक करने के बाद आपके सामने रख रहा हूँ। अब नापाकी से मुराद ये है कि ऐसी नापाकी हो कि जिससे गुस्ल करना ज़रूरी हो जाए आदमी पे, जैसे हालत जिनाबत में है, मियाँ बीवी सोहबत किए हुए थे, गुस्ल नहीं किए हैं, या औरत हैज़ की हालत में थी, अभी गुस्ल नहीं की है, तब भी नापाक है। बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत नापाक होती है, निफास की हालत में थी, वो अभी गुस्ल नहीं की है, वो भी नापाक है। ये जो नापाकी के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये जो नापाकी की हालत है, ऐसी हालत में इसका हुक्म मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सही बात तो यह है कि ये मकरूह तनज़ीही है। अगर कोई इस तरह इस हालत में बाल या नाखून वगैरह काटता है, साफ़ करता है, कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। पहले पाकी हासिल कर ले, पहले पाक हो जाए, उसके बाद जाकर इसको साफ़ करे, नाखून वगैरह काटे। लेकिन हाँ, जैसा कि आसान फ़िक्ही मसाइल किताब है, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त जुज़िया मुझे मिला है, अगर इसी हालत में भी, नापाकी की हालत में कोई काटना चाहे, औरत गुसल करना चाहती है, हैज़ का गुसल करना चाहती है, अब वो चाहती है कि चलो मैं ज़ेर नाफ के बाल वगैरह साफ़ करके गुसल करूँगी, देखिए ऐसी सूरत में एक तरीका है कि जिससे बिला करहत जायज़ है काटना, वो क्या है? वो तरीका ये है कि जब आप बाल को धो लेंगे, पानी डाल के धो देंगे, या नाखून वगैरह को पानी डाल के धो देंगे, धोने के बाद आप उसको साफ़ करते हैं, काटते हैं, तो फिर नापाकी की हालत में काटना इस सूरत में मकरूह तनज़ीही भी नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गलती क्या होती है वो भी समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये भी। लोग ये समझते हैं कि चलो नापाकी की हालत है, हम बाल वाल नहीं काटेंगे, ज़ेर नाफ़ के बाल साफ़ नहीं करेंगे। उनको दूसरा मसला भी मालूम होना चाहिए कि 40 दिन के अंदर अंदर बगल के बाल, ज़ेर नाफ़ के बाल, और यानी शर्मगाह के बाल, नाखून, इनका काटना ज़रूरी है, वाजिब है। अगर 40 दिन से ज़्यादा हो जाए, नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह तहरीमी है, गुनाह भी मिलेगा अगर 40 दिन से ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो मैं कह रहा था मकरूह तनज़ीही है, ये कब है? जब 40 दिन न हुआ हो, 40 दिन से पहले पहले नापाकी की हालत में इस तरह काटना मकरूह तनज़ीही है। लेकिन अगर 40 दिन हो गए हो, अब कुछ नहीं देखना है, अब तो काटना ज़रूरी है भाई, पाक हो या नापाक, अगर पाकी हासिल करना चाहते हो, जल्दी जल्दी पाकी हासिल करो और साफ़ करो उसे, वरना उसी नापाकी की हालत में साफ़ करो। क्या होता है कि लोग बस 40 दिन से ज़्यादा भी हो गए लेकिन सोचते हैं नापाक हैं यार, पाक होने के बाद, और सोचती है अभी हैज़ की हालत में हूँ, चलो 5 दिन जाने दो फिर मैं साफ़ करूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसी वक्त फ़ौरन नापाकी की हालत में भी साफ़ करना ज़रूरी होगा, और उसका तरीका मैं बता दिया क्या है, साफ़ कर दीजिए, धो दीजिए पानी डाल के, फिर उसके बाद साफ़ करिए, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं, ठीक है। मसला मैंने पूरा क्लियर किया है आपके सामने, एक एक जुज़िया मैंने तहकीक के बाद आपके सामने पेश किया है, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।